हेलो फ्रेंड्स सो इन आवर टूडेज़ क्लास वॉट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने लास्ट तो लास्ट सेशन में इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ देखा उसके प्रिंसिपल्स देखे द प्रिंसिपल्स ऑन विच द होल इंश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन वो सारी चीज़ें हमने देखी राइट right? सो इन आवर टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जैसे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या कि भाई डेफिनेटली रिस्क कवर करना राइट सो रिस्क कवर इन टर्म्स ऑफ वॉट रिस्क कवर कौन सी कौन सी चीज़ों पर हो सकता है वॉट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर टुडेज सेशन The very first uh, thing about insurance is that कि उसका एक सबसे important पहलू या उसका एक सबसे important type वो है life insurance. ना लाइफ इंश्योरेंस टॉक्स अबाउट वॉट कि बे डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस द नेम इट सेल्फ इज सजेस्टिंग कि किसी की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस करना या इंश्योरेंस लेना लाइफ के ऊपर रिस्क कवर देना आप सब ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना हुआ है एडवर्टीज़मेंट्स देखी हुई होगी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी राइट सो दोज़ एडवर्टीजमेंट्स आर सजेस्टिंग वॉट कि कल जाके अगर आपको कुछ हो जाता है आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है आपके लव्ड वन्स की लाइफ को कुछ हो जाता है तो वी आर डेफिनेटली देर टू हेल्प यू आउट हम आपको रिस्क कवर करके देंगे डेफिनेटली वो लोग मरे हुए बंदे को जिंदा करके तो नहीं दे सकते बट या वो लोग क्या करेंगे हमें कुछ ना कुछ पैसे देंगे दे विल कवर आवर रिस्क इन टर्म्स ऑफ मनी राइट सो मॉनिटरी टर्म्स में दे आर गोइंग टू हेल्प अस आउट सो so, यहाँ पे मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ एस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स मैंने कुछ लिखा हुआ है जो हम आज पढ़ने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के भी देर आर टू टाइप्स वन इज़ होल लाइफ इंश्योरेंस एंड अनदर वन इज़ एंडोवमेंट इंश्योरेंस वेन आई टॉक अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसका मतलब ये होता है कि बंदे ने उसकी पूरी जिंदगी भर वो प्रीमियम भरेगा वेन ही डाई उसके जो भी लीगल हेयर्स है उसके जो भी रिलेटिव है वो सबको पैसे मिलेंगे पॉलिसी के मनी जीते जी उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला जीते जी ही इज जस्ट डूइंग वॉट ही इज जस्ट पेइंग प्रीमियम वंस ही डाइज उसके जो भी रिलेटेड पर्सनस है जो भी लीगल हेड्स है दे आर गोइंग टू गेट द मनी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है मनी पेड टू लीगल हेयर्स आफ्टर दैट डेथ तो डेथ के बाद उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है लीगल हेड्स हैं उनको पैसे मिलेंगे दैट इज़ अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस ट अबाउट द इंडोवमेंट इंश्योरेंस एंडोवमेंट इंश्योरेंस का मतलब होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या जैसे कि मैं 10 साल 15 साल ऐसी टर्म के लिए ऐसा बोलूँ उनको कि भाई आई वॉन्ट टू टेक दिस पॉलिसी मैं उसके पैसे टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स तक प्रीमियम भरूंगी और आफ्टर दैट इफ आई एम देयर मतलब मैं एज अ लिविंग पर्सन अवेलेबल हूँ मेरी डेथ नहीं हुई है तो वो पैसे मेरे को मिलेंगे और अगर मेरी डेथ हो चुकी है तो वो पैसे मेरे जो भी लीगल हेयर्स है या मैंने पॉलिसी में जिसका भी नाम लिखवाया है उनको मिलेंगे राइट सो दैट इज लाइक अ टर्म इंश्योरेंस जो टेन ईयर फिफ्टीन एंड सो ऑन के टाइम पीरियड के लिए होता है कि जिसके अंदर हमें दस या पंद्रह या बीस वो टर्म इज उसके उतने साल तक पैसे भरने हैं प्रीमियम के एंड आफ्टर दैट इफ वी आर अवेलेबल तो हमें पैसे मिलेंगे एंड इफ वी आर डेड तो हमारे जो भी लीगल हेयर्स हैं उनको पैसे मिलेंगे राइट एज यू कैन सी टर्म एंड मनी पेड टू इंश्योरिंग और लीगल हेयर्स राइट वो तो ठीक पर यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है दैट यू कैन सी ओवर हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हम क्या पढ़े थे टू मेक गुड द लॉसेस मेक योर सिचुएशन एज इट वॉज बिफोर पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी की वैसी ये लोग करके देंगेबल बंदा so? मर गया है उसके बाद हमें पॉलिसी के पैसे मिल जाएंगे तो क्या हमारी सिचुएशन पहले वो जब जिंदा था वैसी की वैसी हो जाएगी द आंसर इज नो सो इट इज डेफिनेटली वॉट एक्सेप्शन टू द इंडेमनिटी रूल indemnity principle i can say in exception to the subrogation principle as well because after the death our life does not belong to or rather our dead body does not belong to insurance company right wo ownership only in that case correct understood then you can see value differs value differs in terms of what kis cheese ki value ma'am differ hogi इफ़ यू आर अर्निंग मोर यू कैन टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मोर अमाउंट इफ़ समन इज़ अर्निंग लेस ही दे कैन टेक द पॉलिसी फॉर लेसर अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट है उतनी आपको कंपलसरी ही लेनी पड़ेगी पॉलिसी ऐसा कोई रूल कहीं पर भी नहीं है वॉट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कि भाई आपके ऊपर है आप कितना ऑन करते हो उसके रिगार्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी लो एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रीमियम भरो और प्रीमियम में भी ऐसा होता है इट कुड बी मंथली इट कुड बी क्वार्टरली इट कुड बी ईयरली इट कुड बी सिक्स मंथली एनीथिंग सो दे आर नॉट गिविंग अस सच कंपल्जन कि नहीं आपको तो ये इतने पैसे की पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी दैट इज नॉट द केस एट ऑल एज पर योर रिक्वायरमेंट एज पर योर अर्निंग्स यू कैन डेफिनेटली टेक द पॉलिसी सो वैल्यू विल डिफर दैन यू कैन सी इंश्योर डिसाइड्स द वैल्यू एज़ पर हिज कपेसिटी सीधी बात है इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करेगी कि हमें कितना प्रीमियम भरना है या इंश्योरेंस कंपनी हमें नहीं बोलेगी कि हमें कितने रुपयों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए वी आर देयर वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमें कितने पैसों की पॉलिसी की ज़रूरत है कितने पैसों का प्रीमियम हम भर पाएंगे हमारी कपेसिटी कितनी है जहाँ तक का हम प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं दैट हु विल डिसाइड दैट इंश्योर ही विल डिसाइड नॉट द इंश्योरेंस कंपनी राइट देन एंडोमेंट पॉलिसी प्रीमियम इज पेड थ्रू आउट द पॉलिसी सो आई होप इट इज क्लियर आप सबको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सबसे बेस्ट समझ में आया है ऐसा मैं एज्यूम करके चल रही हूं मूविंग अहेड विदिंग नेता है uh, जिसमें हम अदर देन लाइफ सभी चीजों के बारे में आ गया जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल अदर थिंग्स अदर देन लाइफ लाइफ के अलावा सारी चीजें जनरल इंश्योरेंस में आ गई consequences it could be goods it could be house it could be mobile phones it could be what it could be any precious thing that you like a upar insurance lese ho. and that is covered under what general insurance general insurance means the insurance taken for anything other than life understood now here general insurance is also divided into three parts one is what fire then goods transportation and then other fire goods transportation and other when i talk about fire insurance this is also a very interesting topic though we are not given with much details in your textbook but yes here i am going to explain a bit of it मैं आपको समझाऊँगी यूल कम टू नो कि भाई किस तरीके से होता है मैंने टॉक अबाउट फायर इंश्योरेंस तो डेफिनेटली वो किससे हमें प्रोटेक्शन देगा या रिस्क कवर देगा डेफिनेटली फायर की वजह से रिस्क कवर देगा राइट right? कि भाई फायर की वजह से कोई लॉस होने वाला है और हमने फायर इंश्योरेंस लेके रखा है देन द इंश्योरेंस कंपनी इज़ गोइंग टू गिव एस वो द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फायर पर यहाँ पे हमें ये देखना पड़े कि जो सरकमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं जिसमें ये फायर हुआ है क्या वो एक्चुअल है क्या जो लॉस हुआ है क्या वो लॉस एक्चुअल है क्या हमने जेन्यूनली लौ, वो लॉस बैर करा है इन दैट केस ओनली इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी अदरवाइज दे विल नॉट गिव मतलब क्या मैम ये क्या बोल रहे हो आप नहीं समझ में आ रहा लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन चलता है गुड्स बनते हैं आपको आइडिया है कि फैक्ट्री इज़ रनिंग वेल पर फैक्ट्री का एक डायरेक्शन ऐसा है या एक कोना आई कैन से ऐसा है जहाँ पे इन इन द टाइम्स ऑफ दिवाली और समथिंग उस जगह पे क्रैकर्स आके वहाँ पे गिरते हैं दैट यू नो अब वो कोना है या वो डायरेक्शन है जहाँ पे क्रैकर्स इतने गिरते हैं हमें ऑलरेडी आइडिया है कि वो जगह पर दिवाली के टाइम पर क्रैकर्स आके वहाँ पर बॉर्स होते हैं अब इन दैट केस आई नीड टू बी केयरफुल कि दिवाली ड्यूरेशन में या वो टाइम पीरियड में मैं वो डरेक्शन में या वो कोने में मेरे कोई गुड्स जाके ना रख दूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ ना रख दूँ जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हो मैं आई एम ऑलरेडी नोइंग इट कि हाँ ये दिवाली के टाइम पे ये होता ही रहता है करेक्ट पर फिर भी मैं जाके वहाँ पे, पे पेट्रोल से भरी हुई बॉटल रख देती हूँ और फिर क्रैकर गिरते हैं ब्लास्ट होता है गुड्स भी जल जाता है जगह भी जल जाती है देना इसे नहीं नहीं मेरे पास तो इंश्योरेंस है विल गेट द मनी इन दैट केस डेफिनेटली आई एम रोंग वाई सो बिकॉज आई न्यू इट कि यहाँ पर तो डेफिनेटली क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं फिर भी मैं वहाँ जाके पेट्रोल से भरी हुई बोटल रख के आती हूँ एंड देन आई वेट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू कम एंड गिव मी द क्लेम का मनी हाउ डज़ इट पॉसिबल डिल चेक इट आउट वो लोग चेक करते हैं हमेशा फायर इंश्योरेंस के पैसे ऐसे ही नहीं मिलते आपने काफ़ी सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि जानबूझ के आग लगवा दी करेक्ट या काफ़ी सारी ऐसे सीरीज में भी देखा होगा या मूवीज़ में भी देखा होगा कि जान बूझ के कोई आग लगाता है इन देन द ओनर इज थिंकिंग ये नहीं मेरे को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे इन दैट केस इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते वाई सो बिकॉज़ दे विल सी वेदर यू हैव टेकन अटमोस्ट केयर और नॉट क्या आपने अटमोस्ट केयर ली हुई है कि आग ना लगे क्या आपने वो आग को रोकने की कोशिश करी है मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे सामने ही मेरे घर पे आग लगी और मैं उसको बुझाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ मैं खड़े होके देख रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं इंश्योरेंस कंपनी वाला है ना मेरे को आके पैसे दे देंगे क्या वो चलेगा द आंसर इज नो वाई सो बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी विल सी वेदर यू हैव टेकन प्रॉपर केयर टू स्टॉप द फायर देट इज़ गोइंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी विल सी कि क्या आप क्या कर रहे थे जिस जिस वक्त ये आग लगी राइट सो वॉट आर गोइंग टू सी कि भाई इट हैज़ टू बी एक्सीडेंटल एंड नॉट द नॉट इंसिडेंट

किसी और के घर पे आग लगी है तो मैं क्लेम नहीं कर सकी क्योंकि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है तो दे आर गोइंग टू चेक दैट एज वेल वेदर यू आर हैविंग योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट और नॉट अंडरस्टूड दे आर गोइंग टू सी चेक वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज इज देयर वॉट एवर द सिचुएशन इन विच द फायर हैज़ हैपेंड वॉट एवर द सिचुएशन इन विच यू हैव टेकन एटमोस्ट केयर टू स्टॉप द फायर वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल और आपने जानबूझ के करवाया है वेदर देर इज़ एटमोस्ट गुड फेथ और नॉट जो हमने आगे पढ़ लिया है राइट right? प्रिंसिपल्स में हमने देखा so saying, कि भाई ऐसा होता है is, is in in का मतलब वो लोग या तो आपको ऐसा बोलते थे कि भाई चलो फाइन वन ईयर के लिए आपको पांच हजार प्रीमियम देना है दे दो अभी से एंड वन ईयर तक योर रिस्क इज कवर्ड एंड दे से फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड करके यू कैन गिव इन so depending upon the situation they may tell you to pay the premium the, the, the situation differs and generally 3-3 three, three years ke time period ke liye hota hai. generally but it may differ right so this is what fire insurance premium means now when i talk about goods transportation insurance as you can see the many maha baby is one is marine one is railroad and third is air marine goods transportation kya? definitely by sea थ्रू सी जब हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मुझे यहाँ से कहीं पर बाय सी बाय सी कोई भी गुड्स मंगवा भेजने हैं शिप के थ्रू मेरे को भेजने हैं या कहीं से मंगवाने हैं इन दैट केज आई एम गोइंग टू यूज़ वॉट दिस मरीन इंश्योरेंस राइट अब मरीन इंश्योरेंस या ये जो सी रूट है तो आप उनको दिख रहा होगा कि इट इज़ द ईजीएसट रूट लोअर रादर आई कैन सी कि इट इज़ लॉन्गर रूट ईजी रूट लॉन्गर रूट येस इट इज़ रिस्की बीच में कहीं आपकी शिप कोई स्टोन के साथ भी टकरा सकती है वहाँ पर कोई दरियाई रास्ते से कोई आ, आ, चोरी भी कर सकता है आपके गुड्स देर आर चांसेस काफ़ी सारे चांसेस है तो रिस्क इज़ डेफिनेटली देर और ये जो मरीन थ्रू ये सब करने का इनिशियटिव किसने लिया था या राधर आई कैन से कि ये कब हुआ था तो आपको ये एम सी क्यू में पूछ सकते एटीनथ सेंचुरी में कंपनी कौन सी लॉइड्स ऑफ लंडन लॉइड्स में डबल एल होंगे सो लॉइड्स ऑफ लंडन वाज़ द कंपनी हुज इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन थ्री ट्वेंटी फाइव ईयर वॉज देयर एकदम लॉयल्टी के साथ ये कंपनी ने लोगों को मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करा था वेन इन दैट इन दैट लॉन्गर ईयर्स जब बहुत पुराने जमाने में लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते थे थ्रू सी रूट uh, तो वो टाइम पे ये लॉयड कंपनी ने लोगों को बहुत सालों तक सा अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी थी राइट एंड येस इन टूडेज जनरेशन ऑल्सो इन टूडेज एरा ऑल्सो पीपल प्रिफर टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स थ्रू सी रादर देन ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स थ्रू एयर they preferable they'll the more preferable option is sea or road rather than air why so messy the air i'll be explaining why so why air is not a uh, I can say more preferable uh, route because it is uh, very costly i can say और उसमें बहुत ज़्यादा गुड्स हम नहीं ट्रांसपोर्ट करवा सकते तो गुड्स विच आर लोअर वेटेड वेट बहुत उसका कम है विच आर वेरी मच प्रेशियस और जिसके लिए हम उतनी कॉस्ट बैर करना हमें अफोर्डेबल लगे तो ही हम ये एर्थ के थ्रू हम गुड्स भेजेंगे अदरवाइज विल प्रेफर इट नॉट मोर राइट सो मरीन एंड रेल और रोड इज़ मोर प्रेफरेबल दैन कम्पेयर टू एयर बाय एयर टू कॉस्टली रिकमेंडेड फॉर हाईली वैल्यूएबल गुड्स एंड लाइट वेटेड गुड्स एज आई साइड ऑलरेडी नाइनटीन सेंचुरी में एयर थ्रू ट्रांसपोर्ट करना आया और उसका इंश्योरेंस आया एंड देन दर्ड ऑप्शन इज वॉट रेल और रोड आइदर बाय रेल और बाय रोड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग आपने देखा होगा गुड्स ट्रेन को जाते आते आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे रूट्स uh, पे काफी सारे ट्रक्स और वो सब जो गुड्स को लेके जाते हैं राइट सो दैट इज बाय रेल और रोड फॉर्म ऑफ रिस्क क्या होगा उसमें थेफ्ट डिकॉयटी डैमेज एक्सेट्रा चोरी वोरी हो सकता है रखैती डाल सकता है कोई आपके गुड्स लेके जा सकता है डैमेज कर सकता है गुड्स को या तो गुड्स कहीं गिर जाए ऐसा कुछ भी पॉसिबल है तो देर आर चांसेस कि ये टाइप के रिस्क हो सकते हैं राइट सो दैट इज़ बाय रेल और रोड दिस आर द पॉसिबिलिटीज़ बट दिस इज़ स्टिल अ मोर प्रेफरेबल ट्रांसपोर्टेशन और ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो आपको जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा दैट इज़ वॉट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस I hope goods transportation insurance is also clear. Now, when I talk about other general insurance, and then I have written from textbook. Textbook may say, other general insurance will include all those insurance which are other than fire, goods, and life. Up phone pe insurance. Liya. सो दैट इज अदर जनरल इंश्योरेंस आपने आपके वॉच पे इंश्योरेंस लिया दैट इज अदर जनरल इंश्योरेंस आपने आपके प्रेशियर्स कोई भी चीज है जैसे कि लैपटॉप हो गया उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया दैट इज ऑल्सो अधर जनरल इंश्योरेंस राइट सो दैट इज वॉट दे आर सेंग कि भाई अधर जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आएगा वॉट एवर अदर थिंगस आर देयर एज यू कैन सी इन योर टेक्सट बुक पेज नंबर फोर्टीन जस्ट अ मोमेंट Other general insurance, here it is. व्हीकल्स पे लिया दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड स्टूडेंट्स इंश्योरेंस कहीं स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं इंडिया से तभी भी लेते हैं इंश्योरेंस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिक्लेम लिया वो सब भी, भी कहाँ पे इंक्लूड होगा अदर जनरल इंश्योरेंस में तो वॉट आई एम सजेस्टिंग यू एस कि आप एक बार इसको टेक्सट बुक में से पढ़ लोगेर पेज नंबर फोर्टीन दैन इट विल बी अगेन वेरी क्लियर वेरी ईजी इट इज़ सो वी आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट इज लाइफ एंड जनरल लाइफ इंक्लूड्स वॉट होल लाइफ एंड इंडोफमेंट जनरल इंक्लूड्स वॉट फायर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन Other goods transportation again includes what marine, air, and road or rail, and other includes many things, whatever you uh, remember, you can write in your exams now.

Cup 19 January 1956, they may ask you in one mark. Then जनरल इंश्योरेंस गॉट नेशनलाइज्ड वेन ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन सेवेंटी थ्री दैट कैन ऑल्सो बी आस्ट यू इन दन वन मार्क थिंग देन इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी दट यू कैन सी ओवर य्योर यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि भाई इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी क्यों एस्टेब्लिश हुआ जस्ट एंड जस्ट टू रेग्युलरिटाइज द थिंग्स कि भाई मैंने ये इंश्योरेंस का बिजनेस है तो गवर्नमेंट कितना देखेगी तो वॉट गवर्नमेंट डिड इज गवर्नमेंट ने एक कमेटी प्लान कर दी कमेटी बना दी कि भाई ये कमेटी का काम क्या है देखने ना, कि क्या इंश्योरेंस का बिजनेस सही से, से चल रहा है क्या इंश्योरेंस के नाम पे लोगों को हम या, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी लोगों को लूट नहीं रही है ना क्या वो प्रॉपरली एक लॉ में कायदे कानून में रह के फॉलो करके सब कर रहे हैं ना दैट फॉर दैट परपज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट कमिटी वॉज एक्सरसाइज्ड अदर फ्रेम्ड और वो अथॉरिटी ने क्या किया फ़ॉरन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को भी रादर फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज को भी बोला कि ना यू कैन कम टू इंडिया एंड यू कैन इन्वेस्ट इन अवर कंपनीज और यू कैन डू द बिजनेस इन इंडिया सो आई कैन से ओवर ईयर यू कैन सी पहले ट्वेंटी सिक्स परसेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट्स रादर फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज थी जो रेस होके कितनी हुई फोर्टी नाइन परसेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टी यू कैन सी ओवर हियर मेन इनके क्या है पॉलिसी होल्डर्स गेट्स मोर चॉइस लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए ऑप्शन चाहिए लोगों को लूटना नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग्स वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज लोग डेफिनेटली काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पिटिशन होना चाहिए ऐसा ना हो कि उनके कॉम्पिटिशन में अल्टीमेटली लॉस पब्लिक का हो डेट दे मोबिलाइज मोर रिसोर्सिस फॉर द इकोनॉमी डेफिनेटली ये जो भी पैसे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के या वट तो वो इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए यूज होने वाले हैं वो कोई प्राइवेट परपज के लिए यूज नहीं होने वाले हैं एंड टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी एक डिसिप्लिन में रह कर काम करे एक रूल में रह कर काम करे कायदे कानून में रह कर काम करें टू क्रिएट मेकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल कंप्लेंट रिड्रेसल मतलब क्या कि भाई इफ एनी पर्सन इज हैविंग एनी कंप्लेन रिगार्डिंग इंश्योरेंस थिंग दे कैन गो टू दिस एरिडा ऑथॉरिटी के पास जाके दे कैन टेल दम कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग या मेरे को इस इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रॉड किया है मेरे साथ यू कैन गो टू देम दिल रिड्रेस यूर कंप्लेन दे सॉल्व योर कंप्लेन दिल डू वट एवर एक्सट्रीम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन फॉर योर कंप्लेन राइट सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी के कुछ ये गोल्स या ऑब्जेक्टिव थे दे मे आस्क यू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग For 3 marks, or at times they may ask for 5 marks also. So, you must be prepared that we ask right. So, here we are done with the insurance services. In our next session, we are going to begin with the postal services. Thank you.